बच्चों, ग्रहों की जो ये वृत्तीय गति है, ये वृत्तीय गति किस कारण होती है, इसको समझने के लिए हम पहले जो चैप्टर 8 में हमने क्रियाकलाप किया था उसको ही समझने का प्रयास करेंगे। और ग्रहों की जो ये गतियां हैं, जो ये घूर्णन गति है, ये वृत्तीय गति है, ये किस वजह से है उसको समझने का प्रयास करेंगे, जैसे आइज़क न्यूटन ने किया था और उन्होंने अपने तर्क दिए थे, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, ये क्रियाकलाप है हमारे पास 10.1, ऐसा हमने आठवें चैप्टर में किया था। एक धागे के साथ एक पत्थर को बांधा हुआ था और हमने उसको गोल गोल घुमाया है। तो जब हम इसको छोड़ेंगे, तो मान लो यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये पत्थर कहाँ जाएगा? सीधा जाएगा ऐसे इधर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जब कोई वस्तु वृत्तीय आकार में, वृत्तीय पथ में घूम रही होती है, तो हर एक बिंदु पर अपनी दिशा को परिवर्तित कर रही है। इस बिंदु पर छोड़ें अगर पत्थर को, तो वो जाना था यहाँ, ठीक है, लेकिन अब उस पर एक बल लगा है, इसलिए वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। हर एक बिंदु पर वो सीधी रेखा में जाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो उसका जड़त्व है। लेकिन क्या होता है कि उस पर एक बल लगा है, जो इस धागे के कारण इस पत्थर के ऊपर लगा हुआ है, और हर बिंदु पर ये बल इसको अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। अगर ये बल ना होता तो पत्थर कहाँ जाना था? सीधा, मान लो इस बिंदु पर छोड़ा गया किसी भी बिंदु पर, तो सीधे चले जाना था उसने। यानी हमने ये भी पढ़ा था कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, तो उसकी दिशा में जो परिवर्तन है गति की, वो किस कारण होगा? बल के कारण। यानी हर एक बिंदु पर अब बल लग रहा है यहाँ पे, और ये जो बल लग रहा है केंद्र से, इसको हम, इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल, ठीक है। ऐसा ही ग्रहों पर भी होता है। यानी अगर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, तो क्या हुआ कि चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी ने एक बल लगाया है। अगर ये बल नहीं होता पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, तो ये चंद्रमा जो है वो सीधा चला जाता दूर। और वैसे ही सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी है। अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये बल, अभिकेंद्र बल ना होता, तो पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती, ठीक है। तो हमने ये भी देखा कि पृथ्वी के ऊपर सेब गिरा, ठीक है, तो सेब गिरेगा पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी ने गुरुत्वाकर्षण बल लगाया है। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमने जो सेकंड लॉ पढ़ा था, सॉरी थर्ड लॉ पढ़ा था, उस थर्ड लॉ के हिसाब से एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु के ऊपर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु के ऊपर उतना ही बल लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेब गिरा पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी भी क्या सेब की ओर आकर्षित हुई, क्योंकि सेब ने भी तो उतना बल लगाया। तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ था न्यूटन के दिमाग में भी। तो उन्होंने सेकंड लॉ एक दिया, और सेकंड लॉ के हिसाब से क्या बोला था, एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी किसी वस्तु का मास और उस वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण। देखो कैसे चलेगा, एफ अपॉन ए बराबर है एम, यानी जो ये द्रव्यमान है ये त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल जितना ज्यादा, मास जितना ज्यादा बढ़ेगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, उसका त्वरण उतना ही कम होगा। ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, एफ बटा ए बराबर है एम, बटा वाली चीज जितनी बढ़ेगी ये उतनी कम होगी, और ये जितनी बढ़ेगी बटा वाली चीज उतनी कम हो जाएगी। तो बच्चों अब देखो, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो सेब के द्रव्यमान से कहीं ज्यादा अधिक है। तो सेब के त्वरण की अपेक्षा जो पृथ्वी का त्वरण होगा वो ना के बराबर होगा, क्योंकि सेब का जो द्रव्यमान है पृथ्वी की अपेक्षा ना के बराबर है। तो अब पृथ्वी का जो मास है उसके कारण उसका जो त्वरण होगा वो ना के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो लगा है, पृथ्वी के ऊपर बल लगा है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगी, त्वरण होगा, वो ना के बराबर होगा, इसलिए पृथ्वी जो है वो सेब की ओर गति नहीं करेगी। ऐसा ही तर्क हम लगा सकते हैं सूर्य और ग्रहों के बीच में भी, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी हम यही तर्क लगा सकते हैं कि क्यों ये जो ग्रह घूर्णन कर रहे हैं सूर्य के चारों ओर, या चंद्रमा जो गति कर रहा है वृत्ताकार गति,
वो जो बल लग रहा है दोनों के बीच में, तो पृथ्वी क्यों नहीं चंद्रमा की ओर गति कर रही है, या सूर्य क्यों गति नहीं कर रहा है ग्रहों की ओर? तो यही कारण है, एफ अपॉन ए बराबर है एम के कारण, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कारण, जो न्यूटन ने ही दिया था। अब न्यूटन ने इन सभी तर्कों से एक बात और बताई कि ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये जो है सिर्फ इन्हीं के बीच में ये बल नहीं है, बल्कि प्रत्येक पिंड जो है इस ब्रह्मांड में, प्रत्येक पिंड जो है चाहे छोटी से छोटी वस्तु क्यों नहीं है, वो उसके बीच में भी, उनके बीच में भी एक यही गुरुत्वाकर्षण बल जो है लगता है। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा नहीं है कि ग्रहों और उपग्रहों या सूर्य के बीच में ही है, ये हर एक वस्तु के अंदर होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ठीक है, इस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो बच्चों इतना आपने समझे, आज इसको दोबारा से रिवाइज करो, उसका जो अगला टॉपिक है वो आप खुद एक बार बुक पर से पढ़ लें, कल हम उसको थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली दोनों तरीकों से समझने का फिर से प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, मतलब क्या है उसको समझो, कि प्रत्येक पिंड में एक बल होता है, हर एक पिंड दूसरे पिंड पर एक बल लगाता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं।